أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू व दखल अल जन्नत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدي। सो मेरे बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम एसिड्स एंड बेसिस और लेक्चर नंबर हमारा 12। आज के इस लेक्चर में एक सिर्फ एक टॉपिक जो कि आपके प्रीवियस टॉपिक का हिस्सा है लेकिन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाह मैं आपको ये भी बता दूं। जैसे बेटा आपके पास थर्मामीटर होता है, आप पेशेंट के मुंह में देते हैं या बगल में रखते हैं और आपको पेशेंट का बुखार पता चल जाता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? समझ आ रही? जिसको बात समझ नहीं आई मुझसे पूछ सकता। सो इसी तरह पीएच मीटर जो है ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके साथ एक इलेक्ट्रोड होता है। आपने जिस चीज़ की पीएच वैल्यू फाइंड करनी है उस इलेक्ट्रोड को उसके अंदर डुबो दो और इसके इस डायल पे नज़र आ रहा है ये आपको पीएच वैल्यू बता देगा किस सॉल्यूशन की क्या पीएच वैल्यू है ना। मजे की चीज़ नहीं समझ आ रहा? और यही लिखा हुआ था पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड। किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच है उसे आप मेजर कर सकते हैं। कैन बी मेजर्ड बाय पीएच मीटर। बाय पीएच मीटर इट कंसिस्ट ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड एक रॉड होती है, रॉड, ठीक है। मैंने आपको 9th क्लास में बताया था इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। ये स्टील की वायर्स, प्लेट्स या रॉड्स होती हैं जिनके जरिए से बिजली सेल के अंदर दाखिल होती है या बाहर निकलती है। सेल्स याद है ना, दो इलेक्ट्रोड होते थे, एक एनोड था एक कैथोड था। तो ये पीएच इलेक्ट्रोड होता है इसके अंदर। क्या होता है जी? पीएच इलेक्ट्रोड होता है इसके अंदर। अब इसकी इसका स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, अगर मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं। अब नोट्स आपने मुझे इसके स्लाइड्स पे बना के देने हैं। यहां से यहां तक इसकी इसका स्ट्रक्चर है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू ए मीटर, जो कि किससे मिला हुआ होता है, एक मीटर के साथ कनेक्टेड होता है। इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन। अब ये इसको इस्तेमाल करने का तरीका, प्रोसीजर। यहां से यहां तक क्या आ गया? कंस्ट्रक्शन। और यहां से method to use, the electrode is dipped into a solution and the meter shows the pH either on a scale, जो या तो किसी scale पे होगी, ठीक है, or digitally, या किसकी फॉर्म में होगी, digits की फॉर्म में, जैसे आपके पास हिंदुस्तान वाली घड़ियाँ होती हैं ना वैसे। it is much more reliable, ये बहुत ज़्यादा काबिल एतिमाद होता है। हो सकता है पीएच पेपर से जब आप पीएच वैल्यू मेजर करें तो बेटा आपकी पीएच वैल्यू जो है वो आप एग्जैक्ट मेजर ना कर सके, लेकिन इससे आपको पीएच वैल्यू एग्जैक्टली पता चल जाती है। इट इज रिलायबल एंड एक्यूरेट। और क्या ये बहुत ही दुरुस्त तरीका है, कार है, काबिले भरोसा और बहुत ही दुरुस्त तरीका है कार ऑफ मेजरिंग, मापने का। ये बेटा आप इसके एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं, इसके फीचर्स, ठीक है। यहां तक इसका मेथड टू यूज बता दिया आपको, फिर बताया ये बहुत रिलायबल होता है और एक्यूरेट होता है फॉर मेजरिंग द पीएच देन यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। किससे? जिसे हम पीएच पेपर भी कहते हैं। दो अगरचे द लेटर इज ओफन मोर कन्वीनियंट, कहता है अगरचे जो ये बाद वाला पीएच पेपर का इस्तेमाल है
ये बहुत आसान है आम तौर पे, जगह लगता है अक्सर आसान लगता है, लेकिन पीएच मीटर जो है इससे ली गई रीडिंग्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होती हैं और क्या होती हैं, एक्यूरेट होती हैं। प्रॉब्लम दीजिए, क्लियर हो गया। अब बेटा एक प्रोसेस है इचिंग, जिसको कुंदाकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंदाकारी। आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा था, याद है कि नहीं याद? इसको कहते हैं मलमाकारी। क्या थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेरा? बस इतना सा फर्क है आपके लायक होने में, इतना सा फर्क है। जिस दिन आपने खुद से ये सवाल पूछना शुरू कर दिया ना कि भाई मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी है और मुझे पता होना चाहिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या, बस आप लायक होंगे, इतना सा फर्क है बस। तो बताएं जरा मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? नहीं बताना, बस इतना सा एक कदम उठा लो बेटा किसी एक मेटल पर किसी दूसरी मेटल की, अब चाहे जिंक हो, कॉपर हो, क्रोमियम हो, गोल्ड हो, लोहा, कुछ भी, किसी एक मेटल पर दूसरी मेटल की तह चढ़ाना क्या कहलाता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर्टिकुलर द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट करना, चढ़ाना, प्रोसेस कहते हैं किसको? अमल को। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ वन मेटल ऑन एन अदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोब्लेटिंग। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने सोना खरीदा, पता चला ये जो सोना तूने खरीदा इसके अंदर लोहा भरा हुआ था, सिर्फ सोने की तो उसके ऊपर क्या चढ़ी हुई थी? तह चढ़ी हुई थी, समझ आ गया? तो जो उस लोहे के ऊपर सोने की तह चढ़ाई गई है, इस सोने की तह चढ़ाने के अमल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिस तरीके से वो तह चढ़ाई गई है उस तरीकाकार को क्या कहते हैं? उस अमल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। मलमाकारी का औरतों का खास तौर पर जेवर जूठे निकलते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सीख लो वरना फिर रोना पड़ेगा। आगे चलूं जनाब, हम आज पहले इसकी वीडियो देखेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये बेटा इसी का अमल है, इसको देख लें, स्टेप्स देखिएगा। That is etching on zinc, and this is the end result on paper. This is a print. This is what I call an original print. Yeah, तू देख ना, नजर तो आ रहा ना? ये एक snake है, snake. इसको उन्होंने steel की एक पत्री के ऊपर बनाना है। अब लोहे के ऊपर तुम किसी चीज को बना सकते हो? आज नहीं, कैसे बनाते हैं ये? Okay, it's different from artist's reproduction, which is a copy. This is different. Okay, this is printmaking. It's a skill, it's a craft. You use ink plate and you file off the pages in a 45 degree vehicle. First you use ink plate and you file off the edges at a 45 degree angle. First you use ink plate and you file off the edges at a 45 degree angle. ये लोहे का एक पतरा और इसके ऊपर बनाएंगे आप सामने। The edges at a 45 degree angle.
अच्छा खासा तो नजर आ रहा है. Most Christians think this is what comes through the heart of an atheist, but it's really nice stuff. Now I'm going to use my superpowers here because I'm going to use them all. Here we go. Yeah, बेटा इसके ऊपर मोम लगा रहे हैं. Wax. क्या लगा रहे हैं? Wax. समझ आ गया? इस wax के तेजाब असर अब ये इसके पास एक पेन है जिससे ये बेटा ये वैक्स देखो बाकी जगह पे वैक्स लगी हुई है और इसने क्या किया पहले पतरी की सफाई की है जो है उसको ठीक क्लीन कर दे रही थी मार उसको साफ किया ऐसे किया जंग शंग उसके ऊपर से उतार दिया पहला स्टेप समझ आ गया दूसरा स्टेप उस पर वैक्स लगाई समझ आ गया तीसरे स्टेप में क्या करेगा कि उस वैक्स के ऊपर सांप की शक्ल बनाएगा और बाकी जगह पर वैक्स लगी रहेगी जिधर जिधर से वैक्स उतर जा रही है वहां से लोहा सामने आता जा रहा है और बाकी जगह पे लोहे के ऊपर क्या वैक्स है मोम बाकी जगह पे सुन रहे हो अब जिस जिस जगह से वैक्स उतर गई है समझ आ गया वहां से मेटल सामने आ गया स्टील सामने आ गया अब जब बेटे जहां से स्टील नजर आ रहा है इस जगह पे तेजाब लगेगा तेजाब उसको खा जाएगा तेजाब लोहे को खा जाएगा समझ आया नहीं यार एसिड की प्रॉपर्टी बताई थी जब एसिड किसी मेटल से मिलता है तो दो चीजें बनती हैं साल्ट और हाइड्रोजन गैस तो यहां से ये मेटल आस्ता आस्ता खत्म होती जाएगी बाकी जगह से खत्म नहीं होगी अब ये एक बेसन है इसके अंदर ये तेजाब डाल रहे हैं क्या डाल रहे हैं हल्का तेजाब डाल रहे हैं समझ आ गया नहीं आ गया और उस तेजाब के अंदर उस पत्री पे बना हुआ सांप जो है वैक्स वाला उसको फेंक देंगे ये तेजाब है तेजाब हाथ नहीं लगाना इसको ठीक है ये बन गया इसमें अब ये इसके अंदर फेंक दिया तेजाब में तो जिस जगह से वो मोम उतरी हुई है ना वहां पे जो सांप बनेगा ना उस जगह से तेजाब क्या करेगा लोहे को खा जाएगा तो उसके अंदर लिखाई हो जाएगी समझ आ गया सांप बन जाएगा समझ आया नहीं यार अब ये एक पंख से उसको हिलाएगा और उसके ऊपर से बुलबुले निकलेंगे वो बुलबुले किसके होंगे हाइड्रोजन के किसके अब इनको पता वो केमिकल रिएक्शन कौन सा हो रहा है ये देखो बुलबुला गया ना ऊपर ये बुलबुले हाइड्रोजन गैस के हैं अब बेटा तेजाब ने क्या किया लोहे को जिस जगह पे वैक्स नहीं लगी हुई थी वहां से कर लिया खा लिया गहराई तक अंदर चला गया ठीक है समझ आ गया ना वहां से लोहा कट गया खा लिया उसने तेजाब ने अब इसकी सफाई कर लेंगे जी सर I think I will go back into super mode again. What we've got here is indentations. It's actually burnt in, bitten in through. I'm lost in there. Okay, here we go. Get it. बन गया साहब. हल्का हल्का नजर आ रहा है यहाँ पर. ये. अब इस पे रंग करेंगे. वो रंग इसके अंदर चला जाएगा. बड़ा खूबसूरत लगेगा. ये देखो बन गया जैसे कहते हैं ना बंदे ने काट काट के बाहर निकाला असल में इंसान खुद नहीं निकालता ये तेजाब काट देता है तेजाब बहुत खतरनाक चीज है ठीक है ना क्रिएशनिस्ट देखिए पानी है पानी में And we're going to let it out. And so it's going to be
अब ये प्रिंट करेंगे What you need now is a nice big press. The idea is that the ink is stuck inside the grooves, piece of paper, and the place that is shiny in place. That's the paper is completely filled with ink. This is a roller. This is what you need now is a nice press. Big press. Doing it manually, put down on the most paper, but my dad is a paper. This is real printing. I am putting the bat very carefully on the place. There we go. And we have a look. Now, the blanket is a roller. This is what we call an etching there press. There you go. And that doing is manually, and that is push another push print on the computer. Snippy, pressing cool stuff. This is real right printing. Now. There we go. And have a look. There we go, very careful. There you go. And that is etching, and that is another win for Snake Artist. Cue cool music right now. So, Janab, ye thi etching. स्टेप सारे समझ आ रहे हैं, पढ़ो जी। ये आर्ट है, आर्ट का मतलब है फन है, फन, ठीक है। दैट यूजेस एसिड किताब इस्तेमाल हुआ था टू क्रेव पैटर्न्स। क्रेव का मतलब होता है कुंदा करना, काट के बनाना, ठीक है। पैटर्न्स का मतलब क्या, पैटर्न्स का मतलब क्या, खाके नमूने इंटू मेटल्स, किन के अंदर मेटल, जैसे सोना हो गया, ये देखो बाहर का शीशे पे चीजें बनी होती हैं, शीशे पे लखाई करने के लिए चीजें बनाने के लिए, लोहे पे, सोने पे, चांदी पे लिखने के लिए, एंड अदर मटीरियल दूसरे माता जाते, इज कॉल्ड ईचिंग। समझ आ गया मेथड ऑफ ईचिंग, इसका इसके स्टेप्स क्या है। द पीस ऑफ मेटल ऑफ ग्लास इज कवर्ड विद वैक्स, ऐसे ही किया, एंड देन ए डिजाइन इज ईच्ड, और उसके ऊपर फिर क्या कर दिया आपने, डिजाइन बना दिया था पेंसिल से ऑन द प्लेट थ्रू वैक्स, वैक्स के ऊपर से, सही है। द प्लेट इज देन डिप्ड, फिर क्या किया जाता है उस प्लेट को, हाँ, डुबोया जाता है किसमें, तेजाब में, हाँ। द प्लेट इज देन डिप्ड इन द टैंक ऑफ एसिड, दूसरा स्टेप हो गया, द एसिड ईट्स अवे, तेजाब खा जाता है एट एक्सपोज्ड पोर्शन। यहां से मैंने एक लफ्ज जो है वो आपके नहीं लिखा हुआ, एसिड किसको खा जाता है, मेटल को, ईट्स अवे द मेटल एट एक्सपोज्ड पोर्शन, वो पोर्शन जहां से मेटल नजर आ रही होती है ना, तेजाब वहां से मेटल को खा जाता है। Which leaves behind the texture marks, और वो पीछे का छोड़ जाता है, वो marks जो आपने बनाए होते हैं उनको पीछे छोड़ जाता है। The plate is then taken out of the acid, तेजाब से उस plate को फिर बाहर निकाल लिया जाता है, and is cleaned, और उसको धोया जाता है, उसको साफ किया जाता है। Ink can also be applied on the etching, ink भी apply की जा